नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एकदम क्लियर कर दिया है कि वाइफ की प्रॉपर्टी पे हस्बैंड का कोई भी हक नहीं है। सपोज दैट इस लड़की के पास में ये हस्बैंड है और इसे कंसिडर कर लेते हैं उसकी वाइफ। अगर वाइफ के पास में 1 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया या कोई भी अमाउंट है उसके पास में, अगर हस्बैंड बोलता है कि नहीं भैया ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। हस्बैंड कभी भी बोलते हैं ना अपने वाइफ के पैसे को, बोलते हैं ना मिस यूज नहीं कर सकता, मतलब कहीं भी उड़ा नहीं सकता है। अगर मिस यूज करता है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ये क्लियर किसने कर दिया भैया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सीधा लैंग्वेज में क्या बोल दिया, हस्बैंड हैज नो कंट्रोल ओवर वाइफ। मतलब कि जो हस्बैंड ये सोच करके सोचता था ना कि भाई साहब कि हमारी वाइफ ने जो भी कमाया है आज नहीं तो कल हम उसको यूज करेंगे, इसको ज्वाइंट प्रॉपर्टी समझेंगे, उसे नहीं समझना है। स्त्री धन पे कोई भी हक जता नहीं सकते हो। तो एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास में जिसमें उसने जजमेंट दिया। जजमेंट क्या दिया, ये डायरेक्शन दिया, बोला हस्बैंड को बोला कि भाई साहब आपको 25 लाख रुपया देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, क्योंकि आपने उसका सोना क्या कर दिया, गवा दिया, बेच दिया, जो भी कर दिया हो आपने, आपको उसे रिटर्न करना है। अब उस औरत ने क्या क्लेम किया था कि जब उसकी शादी हुई तो उसको 89 सोवेरियन गोल्ड मिले थे, और कौन दिया था, उसकी फैमिली ने दिया था, शादी के समय दिया था। और उसके डैड ने उसे क्या किया था भाई साहब, 2 लाख रुपए का क्या दिया था, चेक भी दिया था। मतलब गोल्ड भी मिला था और चेक भी मिला था 2 लाख रुपए का। अब वो औरत आगे क्या बोलती है कि जिस दिन उसकी फर्स्ट नाइट थी तो उस दिन क्या हुआ, हस्बैंड ने क्या बोला, भाई जितना भी तुम्हारा ज्वेलरी है मुझे दे दो, मैं सेफ कर लेता हूँ। मतलब तुम्हारा ज्वेलरी जितना रहेगा बस सेफ में डाल करके एकदम सेफ कर दूंगा। और ऐसा सेफ किया कि उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। और पहले उनका जितना कर्जा था ना, उस कर्जे को क्या किया उसने, हस्बैंड ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इसमें बोलते हैं ना लेडीज ने क्या बोला कि मेरे जो पैसा तो मेरा जो गोल्ड था उसको बेच करके मिस अप्रोप्रिएट किया गया। मतलब हस्बैंड और उसकी मम्मी ने क्या कर दिया, अपना जो पुराना प्री एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज था उसको खत्म कर दिया। मतलब माँ बेटे ने मिल करके क्या किया, उसका सोना बेच करके अपना पूरा कर्जा क्लियर कर लिया। अब सोचे कि वाइफ क्या है बेचारी, एकदम बोलते हैं ना कुछ बोलेगी नहीं, चुपचाप बैठी रहेगी। लेकिन वाइफ ने बोला नहीं, फर्स्ट नाइट का धोखा तुमको जरूर देंगे हम। अब वाइफ कहाँ पहुंच गई भाई साहब, कोर्ट में पहुंच गई। पहले कहां पे पहुंची, वो फैमिली कोर्ट में 2011 में। बाद में कहां गया मामला, केरला हाई कोर्ट में गया। फिर बाद में मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता ने क्या बोला भैया कि स्त्री धन प्रॉपर्टी जो है उसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं समझना है, इस पर हस्बैंड का कोई भी हक नहीं है। वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि भैया इस प्रॉपर्टी का मैं भी ओनर हूं। तो औरत को अगर कोई भी बोलते हैं ना गिफ्ट मिला है शादी से पहले या शादी के बाद या कभी भी बोलते हैं उसको उस पैसे को अर्न किया है, तो उस पे भी कभी भी हस्बैंड क्या बोलता है, अपना राइट नहीं दिखा सकता है। और ना तो अगर औरत चाहती है अपनी इच्छा से तो वो क्या कर सकती है, हस्बैंड के ऊपर खर्च कर सकती है। और औरत की अगर विश हो तो घर में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वापस से रिटर्न नहीं करोगे। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी स्त्री की यूज कर रहे हो तो आपको पूरा जितना भी आपने उसका गोल्ड या जो भी उसकी प्रॉपर्टी हो, अगर आपने उसको यूज किया है तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।